हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू पाठशाला, एजुकेशन विद डिफरेंस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इंडियन कल्चर जीके इन हिंदी एमसीक्यू का सेट 5 पढ़ने जा रहे हैं। आपको 1-4 मैं बता दिया हूं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जरूर वहां से देखेंगे, जो आने वाले एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है? तो दोस्तों, ब्लैक पेगोडा मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं, जो सूर्य मंदिर कोणार्क को जो है ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सूर्य मंदिर कोणार्क को। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। इसे 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग साम्राज्य के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह विश्व धरोहर में शामिल है, यूनेस्को में जो है, यूनेस्को की लिस्ट में ये शामिल है, आप इन्हें याद रखेंगे। आइए चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कला घोरा नामक कला त्योहार किस शहर से संबंधित है? कला घोरा नामक कला त्योहार किस शहर से संबंधित है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मुंबई से। किससे संबंधित है? मुंबई से। कला घोरा मुंबई का एक कला त्योहार है। 9 दिन का त्योहार पूरे देश के साथ साथ दुनिया भर के हजारों आगंतुकों के लिए एक प्रमुख आकर्षक है। यह जनवरी या फरवरी के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जनवरी और फरवरी के महीने में मनाया जाता है। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हनुक नामक प्रकाश का महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? हनुक नामक प्रकाश का महोत्सव जो है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी यहूदी धर्म से संबंधित है। यहूदी धर्म से संबंधित है। हनुक जिसे प्रकाश का महोत्सव भी कहा जाता है, 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के सेल्यूसिस सम्राट के खिलाफ मैकबिन रेवॉल्ट के समय यरूशलेम में पवित्र मंदिर दूसरा मंदिर के पुनर्निर्माण की याद में 8 दिवसीय यहूदी त्योहार के त्योहार है। हनुक हिब्रू कैलेंडर के अनुसार 25वें दिन के से शुरू होने वाली 8 रातों और दिनों के लिए मनाया जाता है, जो किसी भी समय ग्रेगेरियन कैलेंडर में नवंबर से दिसंबर के अंत तक हो सकता है। इसका टाइम फिक्स नहीं है, नवंबर और दिसंबर के अंत तक हो सकता है। 8 दिन तक लगातार मनाते हैं, दिन रात मिलाकर के। तो चलिए, यहूदी आप ये नाम रखिएगा याद। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे बंगाल का ग्रीता गार्बो कहा जाता है? दोस्तों, बंगाल का ग्रीता गार्बो कहा जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सुचित्रा सेन को। किसको? सुचित्रा सेन को। क्या कहा जाता है? ग्रीता गार्बो। ग्रीता गार्बो कहा जाता है सुचित्रा सेन को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीपुसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों, थीपुसम त्योहार जो है, यह ऑप्शन नंबर ए तमिल समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। थीपुसम त्योहार हिंदू धर्म का तमिल समुदाय का त्योहार है। यह तमिल समुदाय की उपस्थिति वाले देशों जैसे भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया था, जो तमिल जो है यह सिंगापुर का भी एक लैंग्वेज है। तमिल जो है सिंगापुर का भी एक लैंग्वेज है। तो चलिए, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लेमिंगो त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो दोस्तों, फ्लेमिंगो त्योहार जो है, यह ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्योहार प्रतिवर्ष आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में पुलिकेट झील पक्षी अभ्यारण्य के पास सुल्लूर पेटा में मनाया जाता है। पुलिकाट झील और आसपास का संरक्षण के कार्य के लोगों के लिए जो है, यह विभिन्न विभागों को एक साथ लाने के लिए हर साल उत्सव मनाया आयोजित किया जा रहा है। हर साल 15,000 बड़े फ्लेमिंगो झील आते हैं। 15,000 बड़े फ्लेमिंगो झील आते हैं। तो आप याद रखेंगे, फ्लेमिंगो त्योहार जो है यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 167 पे। वार्षिक रॉयल कैथीना समारोह किस धर्म से संबंधित है? रॉयल कैथीना समारोह जो है, ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से है? सॉरी सर, जैन नहीं, बौद्ध धर्म से। रॉयल कैथीना समारोह बौद्ध धर्म का एक वार्षिक त्योहार है। वो थाईलैंड के बाहर किसी भी
बौद्ध मंदिर में मनाया जाता है। केथीना त्योहार एक प्राचीन बौद्ध परंपरा है जो बरसात के मौसम के दौरान पीछे हटने के शख्स अनुशासन को बनाए रखने वाले भिक्षुओं को विशेष वस्त्र और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करती है। समारोह का मुख्य उद्देश्य केवल धार्मिक विश्वास के लिए ही थाईलैंड और अन्य देशों के बीच संबंधों का मजबूत करने के लिए नहीं है। तो रॉयल केथीना समारोह जो है या बौद्ध धर्म, अब ऑप्शन नंबर डी आप याद रखेंगे। दोस्तों शून्य का आविष्कार किसने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक ये जो है इसका सही जानकारी नहीं बता पा रहे हैं। तो अज्ञात भारतीय ऐसा बोला जाता है, जो अज्ञात भारतीय आर्यभट्ट बोलते हैं लेकिन प्रूफ नहीं है तो इसलिए अज्ञात भारतीय बोल देते हैं। प्राचीन भारतीय सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शून्य का आविष्कार है। यह सिस्टम अंकों के लिए स्थान मान 9 अंकों और शून्य के लिए प्रतीक को सभी अभिन्न संख्याओं को अंकित करने के लिए उपयोग करता है। इसका प्रयोग हरप्पा सभ्यता में भी किया गया। इससे हम कह सकते हैं कि शून्य की खोज अज्ञात भारतीयों ने किया था। इसका जो है प्रयोग वाल्मीकि रामायण वेदों में भी किया गया है और इसका हरप्पा सभ्यता में भी प्रयोग किया गया है, इसलिए हम मान लेते हैं कि यह जो है अज्ञात भारतीयों ने ही किया है, तो इसी बेसिस पे हम मानते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें ये बताया जा रहा है कि वेद समाज की स्थापना किसने की है। वेद समाज की स्थापना दोस्तों ऑप्शन नंबर सी केशव चंद्र सेन ने किया है। किसने किया है, केशव चंद्र सेन ने किया है। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास में की है। कहां पे की है, मद्रास में की है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने मनुष्य के लिए एक धर्म, एक जाति और एक भगवान का सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक धर्म, एक जाति और एक भगवान का सिद्धांत किसने बोला है मनुष्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, श्री नारायण गुरु ने। किसने बोला है, श्री नारायण गुरु ने बोला है ऐसा। श्री नारायण गुरु ने मनुष्य के लिए एक धर्म, एक जाति और एक भगवान का सिद्धांत दिया है। इनके एक नास्तिक शिष्य ने यह बदलकर मनुष्य के लिए कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भगवान नहीं कर दिया है। तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 171 क्वेश्चन क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र समग्र या इंडो इस्लामी मूल में है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर है ये कौन सा है, तो सितार है, एक इंडो इस्लामी मूल में सितार है, तबला है और सारंगी है। ये ऑप्शन नंबर जो आपका है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देख रहे हैं 1, 3 और 4 आपको मैं दिखाऊंगा अभी, सिर्फ सहनाई जो है यह उस ऑप्शन में नहीं आता है। तो इंडो इस्लामी सहनाई इंडो इस्लामी वाद्य यंत्र नहीं है। सहनाई क्या है, इंडो इस्लामी वाद्य यंत्र नहीं है। क्या है, क्या क्या, सितार है, तबला है और सारंगी है, तीन है। तो इंडो इस्लामी जब भी आपसे पूछे तो आप सहनाई को जरूर याद रखेंगे, जो सहनाई नहीं होगा इसमें, सितार होगा, तबला होगा और सारंगी होगा। तो आपको बाकी ऑप्शन आ जाएगा आपको जिसमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है 1, 3 और 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 172 पे, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। महाराष्ट्र का जो वारकरी संप्रदाय है इसकी स्थापना किसने की, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है ध्यानेश्वर। किसने किया था दोस्तों, ध्यानेश्वर ने किया था। वारकरी संप्रदाय की स्थापना कर्नाटक में मानी जाती है। उसके बाद वे महाराष्ट्र चले गए। इसकी स्थापना ध्यानेश्वर द्वारा मानी जाती है, ध्यानेश्वर द्वारा इसकी स्थापना मानी जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें यह बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संत मोची का कार्य करते थे। कौन सा इसमें से संत है जो कि मोची का कार्य करते थे। तो दोस्तों बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें, क्वेश्चन है रैदास जी जो है यह मोची का काम करते थे। रैदास एक श्रेष्ठ संत थे, वो मोची का कार्य करते थे, मोची का कार्य वो करते थे।
तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना यह है कि भगवान मनुष्य के गुणों को जानता है और उसकी जाति की जांच नहीं करता है। अगले विश्व में कोई जाति नहीं है, यह किसकी शिक्षा थी? यह जो है किसकी शिक्षा थी? तो दोस्तों यह जो है गुरु नानक की शिक्षा थी। गुरु नानक जी ये चीज बोलते बोला करते थे। जो सिख धर्म के जो गुरु नानक जी है, भगवान मनुष्य के गुणों को जानता है और उसकी जाति की जांच नहीं करता है। अगले विश्व में कोई जाति नहीं है, यह किसकी शिक्षा थी? तो गुरु नानक जी का है। गुरु नानक जी जो सिख धर्म के फाउंडर थे, उनका ये कहना था। अब आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 175 पे। मस्जिद बनाने में कौन सी भारतीय कला का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मस्जिद बनाने में जो है कौन सी भारत की कला का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए जो भारत की कला का प्रयोग किया जाता है, इसमें आपको कमल है, उसके बाद कलश है और अलंकरण है, अलंकरण भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीनों हो जाएगा, 1, 2 और 3 सारे। मस्जिद बनाने में कमल का, कलश का और अलंकरण का भारतीय जो कला है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों आंसर इसका सही होगा। तो दोस्तों आप इन्हें याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। तो कौन कौन सा हो गया? कमल, कलश और अलंकरण। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम विद्वान ने एक दशक तक संस्कृत और ज्योतिष का वाराणसी में अध्ययन किया? निम्नलिखित में से किस मुस्लिम विद्वान जो है वाराणसी में संस्कृत और ज्योतिषी का क्या किया था, अध्ययन किया था? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अलबरूनी। किसने किया था? अलबरूनी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। अलबरूनी ने एक दशक तक संस्कृत और ज्योतिष का वाराणसी में अध्ययन किया। तो आप समझ गए। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 177 पे। इनमें से कौन सी अमीर खुसरो की किताबें हैं? अमीर खुसरो की जो है कौन सी किताबें हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर किरान उस सादेन, ये है अमीर खुसरो की, किरान उस सादेन। उसके बाद मिफ्ता उल फुतू ये भी उसी का है, और नूर सिपीहर भी उसी का है। किसका? अमीर खुसरो का। तो अमीर खुसरो का क्या नहीं है? तहकीक ए हिंद जो है अमीर खुसरो का नहीं है। तहकीक ए हिंद जो है अलबरूनी की रचना है। यह किसकी रचना है? अलबरूनी की रचना है, न कि अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की रचना जो है किरान उल उस सादेन है, मिफ्ता उल फुतू है और नूर सिपीहर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और तहकीक ए हिंद ये जो है अमीर खुसरो का नहीं है, ये किसका है? अलबरूनी का है रचना, अलबरूनी का रचना है ये। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है जो किताब उस रेहला की रचना किसने की? तो दोस्तों इसमें रेहला में भी हम लोग पढ़ते हैं इब्न बतूता, रेहला से याद रखते हैं। तो इसमें है किताब उर रेहला, तो इसमें इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था। उसकी पुस्तक किताब उर रेहला तुगलक काल के इतिहास का एक स्रोत है। क्या है? तुगलक काल के इतिहास का एक स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इब्न बतूता जो है उसका रेहला, आप इब्न बतूता से याद रखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 179 पे। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में पंचायतन तरीके का सबसे पुराना उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में पंचायतन तरीके का सबसे पुराना उदाहरण है? तो दोस्तों पंचायतन तरीना का जो उदाहरण है, पंचायतन तरीके का, वो है ऑप्शन नंबर ए देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए देवगढ़ का जो है दशावतार का मंदिर है इसका एग्जांपल। देवगढ़ का दशावतार या विष्णु मंदिर गुप्त काल का एक मंदिर है। यह गुप्त काल 320 ईस्वी से 600 ईस्वी तक बनाया गया था 320 से 600 ईस्वी तक। यह पंचायतन शैली का सबसे पुराना नमूना है। पंचायतन शैली मंदिरों की वह शैली है जिसमें मुख्य मंदिर चार सहायक मंदिरों से घिरा रहता है। मुख्य मंदिर जो है चार सहायक मंदिरों से घिरा रहता है।
तो ये पंचायतन तरीके ये है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो इससे आपको चार पांच क्वेश्चन का बेनिफिट हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है? इसमें से ये बोला है जो कौन सा मंदिर जो है द्रविड़ शैली की विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, विमान। विमान विमान द्रविड़ वास्तुकला का नमूना है। यह मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक टावर नुमा रचना है। विमान क्या है, जो गर्भगृह का जो टावर नुमा रचना रहता है ऊपर में, वो क्या हो गया आपका विमान हो गया, वो विमान हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की पुस्तकें हैं, कालिदास की पुस्तकें बताया जा रहा है जिसमें कौन सी है। तो दोस्तों कालिदास की पुस्तिका जो है ऋतु संहार, ऋतु संहार जो है कालिदास की पुस्तिका है, ये एकदम सही है। उसके बाद मेघदूत, ये भी कालिदास का है। उसके बाद दस कुमार चरितम यह डंडी द्वारा लिखा गया था, है ना, न कि कालिदास द्वारा लिखा गया था। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी ये गलत हो जाएगा। और कुमार संभव ये जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है, कुमार संभव। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर है। 1, 2 और 4 मतलब ऋतु संहार, मेघदूत और कुमार संभव, दस कुमार चरितम डंडी द्वारा लिखी हुई संस्कृत की गढ़ पुस्तक है। यह डंडी की पहली गृह रचना मानी जाती है, डंडी की पहली जो है गद्य रचना। तो आप समझ गए होंगे जो ऑप्शन कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4। तो ये जो है 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 182 पे। निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? तो दोस्तों चोल काल की जो सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है ये नटराज की मूर्ति है, चोल काल की। नटराज की मूर्ति चोल काल की सबसे प्राचीन मूर्ति है। इसका अर्थ होता है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव, तांडव नृत्य की मुद्रा में जो है शिव का यह है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 183 पे। इसमें यह बताया जा रहा है कि महाबलीपुरम के पेगोड़ा किसके द्वारा बनवाए गए थे? महाबलीपुरम का जो पेगोड़ा है यह किसके द्वारा बनाए गए थे? तो दोस्तों पेगोड़ा जो है यह ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, पल्लव के द्वारा बनवाए गए थे, पल्लव के द्वारा। महाबलीपुरम के पेगोड़ा मंदिर पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाए गए थे। इसमें सात रथ या पेगोड़ा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 184 पे। पाली भाषा में निगंथा नटपुत किसे कहा गया है? पाली भाषा में जो है निगंथा नटपुत किसे कहा गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, महावीर को। किसको कहा गया है? महावीर को। पाली भाषा में निगंथा नटपुत्र महावीर स्वामी को कहा जाता है। चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर चलते हैं 185 पे। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरण का कौन सा ग्रंथ है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर जो इसका है सी इसका राइट आंसर है, लोका पीयम जो है यह क्या है, तमिल का एक व्याकरणिक ग्रंथ है। लोका प्रियम तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। यह द्वितीय संगम युग का ग्रंथ है। यह अगस्त्य ऋषि के सदस्य लोकापियम द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? लोकापियम के द्वारा लिखा गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 186 पे। कौन सा वेद आधा गद और आधा काव्य में है? कौन सा है? आधा गद और आधा काव्य में है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद आधा गद और आधा श्लोक में है। यह यज्ञ से संबंधित वेद है। किससे संबंधित वेद है? यज्ञ से संबंधित वेद है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 187 पे। कल्हण की राजत्रिंगनी
की रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी, कलहन की जो राज तरंगिनी है उसकी रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 12वीं शताब्दी में। राज तरंगिनी की रचना 12वीं सदी में कश्मीरी ब्राह्मण कवि कलहन द्वारा की गई थी। यह कश्मीर और उत्तर पश्चिम भारत के इतिहास का पर प्रकाश डालती है ना। यह जो है उत्तर पश्चिम और कश्मीर के इतिहास पे प्रकाश डालती है। निम्नलिखित लेखकों में से कौन से संत समकालीन समाज की बुराइयों को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं, कौन से संत समकालीन समाज की बुराइयों को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है श्रमेंद्र। कश्मीर के प्रतिभास संपन्न कवि थे, वे कश्मीरी ब्राह्मण थे और संस्कृत के कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं काला विलास, नम्रमाला में समाज की बुराइयों और भ्रष्ट तंत्र को उजागर किया। वो संस्कृत में परिहास कथा के धनी थे, संस्कृत में। तो दोस्तों आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 189 पे। इसमें ये बोला गया है कि बल्लभी काल किस काल को कहा जाता है, बल्लभी काल जो है किस काल को कहा जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है गुप्त काल को। गुप्त काल को क्या कहा जाता है, बल्लभी काल। बल्लभी काल गुप्त काल के समान है, बल्लभी काल जो है गुप्त काल के समान है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 190 पे। पशुपति नाथ पंथ के अनुसार शिव पशु के देवता है, यह पशु का आशय किससे है, यह पशु का आशय जो है, यहाँ पशु का आशय किससे है, सॉरी, पशुपतिनाथ पंथ के अनुसार शिव पशु के देवता है, यहाँ पशु का आशय क्या है, पशु का मतलब क्या है। दोस्तों पशु का मतलब होता है जीव, क्या होता है, जीव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है जीव। पशुपतिनाथ एक शैव पंथ है, इसमें महादेव को सभी जीवों को देवता कहा जाता है, महादेव के सभी जीवों को क्या कहा जाता है, देवता कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 191 पे। इसमें यह बताया गया है जो वैदिक काल में किस यज्ञ में, यज्ञ सामग्री में सुरा का प्रयोग किया जाता है, यज्ञ सामग्री में जो है सुरा का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौत्रामणि। सौत्रामणि को क्या कहा जाता है, सुरा कहा जाता है, यज्ञ सामग्री में सुरा का प्रयोग जो है सौत्रामणि। सौत्रामणि यज्ञ पहले असुरों द्वारा किया जाता था जो बाद में देवताओं द्वारा किया जाने लगा। इसमें प्रमुख यज्ञ सामग्री सुरा थी, प्रमुख यज्ञ सामग्री क्या था इसका, सुरा। चलिए चलते हैं ऑप्शन नंबर 192 पे। ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था, दोस्तों इससे पहले भी मैं ये बता चुका हूं, दशराज जो युद्ध हुआ था यह पारुषणी नदी पे, पारुषणी नदी पे हुआ था दशराज, जो दस राजाओं का युद्ध हुआ था, दशराज युद्ध इसको बोलते हैं। ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध जो है, दशराज युद्ध भरत जन के राजा सुदास और दस राजाओं जैसे पूरा, यदु, दुर्वासा, अनु, द्रुहु, अलीना, पक्था, भालाना, शिव और विष्णीन के समूह के बीच हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई, यह पारुषणी नदी के किनारे हुआ था। इसमें युद्ध में जो है सुदास का जो है वह विजयी हुआ था, तो आप पारुषणी नदी रवि नदी को बोलते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 193 पे। जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम, की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था, शाह अब्बास की पेंटिंग के लिए जो है जहांगीर ने किसे फारस भेजा था, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है विशनदास को, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, विशनदास इसके समय का चित्रकार था जिसे जहांगीर ने 1613 में फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए फारस भेजा था। वहां वह इतना सफल हुआ कि 1620 तक रहा और उपहार में हाथी लेकर के लौटा, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 194 पे। सही काल क्रमबद्ध
क्रम में निम्नलिखित चिश्ती संतों की व्यवस्थित करें, निम्नलिखित चिश्ती संतों को जो है व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है कालखंडों। दोस्तों बाबा फरीद गंज शंकर ये जो है पहले कालखर्म इसका होगा, उसके बाद होगा आपको शेख निजामुद्दीन ओलिया। शेख निजामुद्दीन ओलिया ने क्या बोला था, जो दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर का नारा जो है शेख निजामुद्दीन ओलिया ही ने दिया था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद रखेंगे, लेकिन पहला नंबर का जो है इसमें अरेंज करने के लिए बोल रहा है। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड हो गया ओलिया, है ना। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली, थर्ड नंबर पे शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली, और सैयद मोहम्मद जी सुदराज, सैयद मोहम्मद जी सुदराज जो है फोर्थ नंबर पे आता है। तो कैसे हो जाएगा, थर्ड फोर्थ वन और टू, ये सही कालांतर है जो कि चिश्ती संतों का। तो दोस्तों आप यहां से इन्हें याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3142। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 195 पे। वेदों का प्रमुख टीकाकार शयन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, वेदों का प्रमुख टीकाकार शयन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, विजयनगर साम्राज्य से, किससे जुड़ा हुआ है, विजयनगर साम्राज्य से। वेदों का प्रमुख टीकाकार शयन, शयन जो है वेदों का टीकाकार शयन विजयनगर साम्राज्य से था। उसके कार्यों का संपादन मैक्स मूलर ने किया, वह बुक्का प्रथम और हरिहर द्वितीय के काल में था, बुक्का प्रथम और हरिहर द्वितीय के काल में था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 196 पे, किस पे चलते हैं, 196 पे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल सम्राट से संबंधित है, दोस्तों चोल सम्राट से संबंधित जो है कैलाशनाथ मंदिर है, कौन सा मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर तंजोर में है, जो चोल राजा राजा राम प्रथम ने बनवाया था। कोरंगनाथ मंदिर श्रीनिवास नल्लूर में है, श्रीनिवास नल्लूर में है, जो प्रांतक चोल ने बनवाया था। कैलाशनाथ मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में है, जो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। एरावतेश्वर मंदिर दरसुराम में है, एरावतेश्वर मंदिर जो है दरसुराम में है, जो राजा राज चोल द्वितीय ने बनवाया था, राजा राज चोल द्वितीय ने बनवाया था। तो दोस्तों कैलाशनाथ मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में है, जो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था, जो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 197 पे। विष्णु के अवतारों में से एक कला में महासागर से पृथ्वी को लाने के रूप में दर्शाया गया वह कौन सा अवतार है, विष्णु के अवतार में जो है एक कला में महासागर से पृथ्वी को लाने के रूप में दर्शाया गया वह कौन सा अवतार है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, वराह, कौन सा है, वराह। वराह अवतार विष्णु भगवान के दशा अवतारों में से तीसरा अवतार है, उन्होंने पृथ्वी की हरण्याक्ष नामक राक्षस से रक्षा किया था, वराह जो है हरण्याक्ष नामक राक्षसों से पृथ्वी की रक्षा किया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 198 पे। निम्नलिखित में से महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं, कौन से भविष्य के बुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मैत्रेय, कौन सा है, मैत्रेय। भविष्य का बुद्ध जो बोला जाता है, भविष्य का बुद्ध मैत्रेय को बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 199 पे। इसमें यह बताया गया है कि संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों संथारा प्रथा जो है यह ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म से संबंधित है। संथारा उपवास से स्वैच्छिक मौत की जैन धार्मिक अनुष्ठान है, उपवास से स्वैच्छिक मौत जैन धर्म की धारा है। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राजा के निधन पर कवि ने आधा धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती इस प्रकार की कविता से शोक प्रकट किया,
आधा धारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती। तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है भोजपुर परमार, इस पे भोजपुर परमार के निधन पे। धार के राजा भोज परमार एक प्रसिद्ध राजा थे, वो एक महान विद्वान थे, उन्हें कविराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कविराज कहा जाता था। कवि ने लिखा अध धारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे भोज राजे दिवमम गते, मतलब आज भोजराज के दिवंगत हो जाने से धारा नगरी निराधार हो गई है, सरस्वती बिना आलंब की हो गई है, और सभी पंडित खंडित है, सभी पंडित जो है खंडित है। तो दोस्तों इसे आप बार बार देखिए वीडियो को, जिससे आपको जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको सारे याद हो जाएंगे। तो हमारे ये 1 to 5 का जो सेट है 200 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जो कि मैं आपको एमसीक्यू का सीरीज लाते रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एडु पाठशाला एजुकेशन विद डिफरेंस। थैंक यू अगेन। तो दोस्तों आप इसे इसी तरह से हमें प्यार देते रहें तो मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।